हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मेहता में। जैसे कि मैंने पिछली दो वीडियोस में हम लोग कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था लीनियर इक्वेशन क्या है और दूसरी टाइप की इक्वेशंस को। नहीं देखा है तो तुरंत जाइए और देख के आइए। दूसरी वीडियो में मैंने आपको समझाया था थोड़े से क्वेश्चंस के किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज उसी दोनों वीडियो का सभी कॉन्सेप्ट और मेथड्स लेके मैं आ गया हूँ तीसरा वीडियो लेके, जहाँ पे हम सॉल्व करने वाले थोड़े से क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, जो कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के ऊपर ही है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, 3x equals to 2x plus 18, हमें करना है इस इक्वेशन को सॉल्व। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था पहले और दूसरे वीडियो में, नहीं देखा है तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, देख के आइए फिर लौटिए। तो हमने क्या देखा था कि हम लोग सबसे पहले सभी वेरिएबल्स को एक साथ लेंगे और कांस्टेंट को दूसरी साथ लेंगे। तो यानी कि 3x minus 2x, मैंने क्या किया कि ये जो x है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है और ये जो x है जो कि राइट हैंड साइड में है, मैंने राइट हैंड साइड से x को उठा के रख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि मुझे तो वेरिएबल एक साथ पे कलेक्ट करना है, एक साइड कलेक्ट करना है। गलती हो जाती यार, इंसान हूँ मैं भी। तो यहाँ पे था 2x पॉजिटिव में, यहाँ पे लेके आया तो हो गया माइनस में, तो 3x माइनस 2x और ये जो है इक्वल्स टू 18 दूसरी साइड। तो 3x माइनस 2x इज 1x, और 1 अगर ना लिखे तो भी चलेगा क्योंकि 1x तो x ही कहलाता है। सो x इक्वल्स टू 18। तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। चलिए तो अब मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए दूसरा और तीसरा दोनों क्वेश्चन एक ही साथ करते हैं सॉल्व। चलिए तो ये जो इक्वल्स टू क्या किए उसको हम कहते हैं LHS, और ये जो यहाँ पे उसको हम कहते हैं RHS। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सभी वेरिएबल्स को एक साथ कलेक्ट करेंगे एक साइड पे और कांस्टेंट को दूसरी साइड रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस x। यानी कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारा वेरिएबल x ही हो या y हो, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है हमारा वेरिएबल। जी हाँ, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है हमारा वेरिएबल, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूर नहीं है। तो यहाँ पे t हमारा वेरिएबल है, तो हम सभी वेरिएबल्स को एक साथ इकट्ठा करेंगे एक साइड पे, तो 5t है ही हमारे पास यहाँ पे। अब मैं राइट हैंड साइड से इस 3t को ले आऊँगा लेफ्ट साइड, तो ये जो 3t है वो भी प्लस में, इस साइड ले आऊँगा तो हो जाएगा माइनस में, और इक्वल्स टू की साइन बीच में, क्योंकि हमने सभी वेरिएबल्स को कलेक्ट कर लिया है। तो इक्वल्स टू की साइन रख के अब हम दूसरे साइड सभी कांस्टेंट को भेज देंगे। तो यहाँ पे पहले से ही हमारे पास 5 माइनस 5 है। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम उठाने वाले हैं इस माइनस 3 को, जो कि कॉन्स्टेंट है, इस माइनस 3 को हम ले जाने वाले हैं राइट हैंड साइड पर, तो हो जाएगा हमारा प्लस 3। तो 5t माइनस 3t यानी कि प्लस माइनस, ये 5t के आगे कोई भी साइन नहीं है तो हो है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5t माइनस 3t हो गया हमारा 2t इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 3, माइनस 5 प्लस 3 यानी कि माइनस प्लस माइनस, ये जो माइनस हम कर रहे हैं वो सम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। डेट मीन्स 5 माइनस 3 इज 2 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो टी इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2, 2 कैंसल, तो हो गया हमारा टी इक्वल्स टू माइनस 1। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये बहुत ही ईजी है, ईजी। तो चलिए एक और सम को हम करते हैं सॉल्व, जो कि है हमारा क्वेश्चन 3, 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। एक्स से याद आया कि हमने बहुत बार ऐसे, मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त देखा है कि मैथ की एक गर्लफ्रेंड थी और वो गर्लफ्रेंड कहीं पे चली गई, तो फिर उसके बाद वो गर्लफ्रेंड है उसको ढूंढने के लिए कह दिया और कह दिया कि एवरीवन चला फाइंड माय एक्स।
तो क्या आपको ये लगता है कि जो स्टोरी इंस्टाग्राम में स्क्रॉल हो रही है वो सही है? मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगता, बट हाँ फनी वे में आप बिल्कुल ही इसको ले सकते हैं, बिकॉज एक्स है ही ऐसा शब्द। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन 3 के ऊपर। ये है 5x plus 9 equals to 5 plus 3x। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, सभी वेरिएबल्स को लेंगे एक साइड और कॉन्स्टेंट को फेंक देंगे दूसरी साइड पे। तो 5x है यहाँ पे मेरा, राइट हैंड साइड में 3x है जो कि प्लस है, तो यहाँ पे आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट को रखते हैं, 5 पहले से है, प्लस 9 को ले जाते हैं दूसरी साइड, हो गया माइनस 9। तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 9। तो प्लस माइनस माइनस, जी हाँ माइनस। तो ये जो माइनस है उसको हम लेंगे सॉल्व करने के लिए, ताकि मतलब के 9 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 4 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर जो कि है 9 और उसकी साइन है माइनस। तो हमें तो फाइन करना है सिर्फ वेरिएबल एक्स, मैथ का एक्स। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 2, 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा, एक्स इक्वल्स टू माइनस 2। तो आई होप कि ये जो वेरिएबल वाले जो क्वेश्चंस है एक्स वाले, तो वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए तो देखते हैं इस एक्सरसाइज में आगे के और दो क्वेश्चंस, और अब मैं आपको बोर नहीं करूंगा, ये दो लास्ट क्वेश्चंस है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वाई 4z plus 3 equals to 6 plus 2z। अब देखिए मैंने आपको समझाया वेरिएबल कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट्स हो सकता है, XYZ ABCD EFG HIJK, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल है z, तो मैंने आपको समझाया करना क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ सिर्फ आपके लिए, क्या है 4x और वेरिएबल्स को करते हैं एक साइड कलेक्ट। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2x है, ये प्लस में है, इसको मैं ले जाता हूँ लेफ्ट में, तो हो जाएगा प्लस 2x, इसको ले जाऊंगा यहाँ पे तो हो जाएगा -2x इक्वल्स टू। अब मैं करता हूँ सभी कॉन्स्टेंट नंबर्स को भेजता हूँ दूसरी साइड, तो यहाँ पे 6 तो ऑलरेडी है, अब लेफ्ट हैंड साइड से प्लस 3 को मैं ले जाऊंगा वहाँ पे तो हो जाएगा -3। तो 4z minus 2z equals to 2z equals to 6 minus 3 is 3, तो z equals to 3 upon 2। यस 4 minus 2 2 6 minus 3 3, यस। तो ये मेरा आ गया z का आंसर। एक और आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, तो 2x x of math, ये x यार चलो ठीक ही है, रहने देते हैं x, क्या करते हैं 2x minus 1 equals to 14 minus x। तो वही मेथड हम फॉलो करेंगे, सभी वेरिएबल्स को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट को ले जाएंगे राइट हैंड साइड। तो 2x, फिर यहाँ पे जो x है ये माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, इक्वल्स टू की साइन कांस्टेंट नंबर राइट हैंड साइड। तो 14 पहले से पड़ा है, माइनस 1 है, उसको ले जाऊंगा मैं दूसरी साइड तो हो जाएगा प्लस 1, यानी कि 2x plus x is 3x equals to 14 plus 1 15, तो x equals to 15 upon 3, 3 ones are 3 5s are, so x equals to 5। तो देखा कितनी जल्दी जल्दी ये सभी क्वेश्चंस हो रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के टॉपिक में। तो ये तो बहुत ही ईजी है, आपको लगा भी होगा बहुत ईजी, क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहे हैं और सभी जगह पे एक ही तो पैटर्न फॉलो हो रही है, कौन सी यार बताइए। तो कुछ नहीं है मेथड में, सबसे पहला स्टेप हम ले जाएंगे सभी वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे और सभी कांस्टेंट नंबर्स को राइट हैंड साइड पे और करेंगे सॉल्व, और वहां से हमें तुरंत मिल जाएगा हमारा वेरिएबल का आंसर। तो है ही नहीं कुछ, सिर्फ एक ही तो मेथड है, एक ही तो स्टेप है कि वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट राइट हैंड साइड। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, दूसरे वीडियो में और क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आऊंगा, ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो इतना स्ट्रांग हो जाए
कि कोई भी टॉपिक आपका इतना स्ट्रांग नहीं होगा. तो वी विल कीप इट टिल योर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.